हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चा, हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश छाया एवं परावर्तन। और आज हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी दर्पण और परावर्तन के बारे में। तो होता क्या है बच्चों कि लाइट वेव्स में चेंज देयर डायरेक्शन अपॉन स्ट्राइकिंग ए सरफेस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब मिरर इज एन ऑब्जेक्ट विच से रिफ्लेक्ट लाइट, यानी प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती है, इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं बच्चों। अब दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। अब क्या कहता है बच्चों, शाइनी एंड पॉलिश सरफेसेस यूजुअली एक्ट एज मिरर, यानी चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करती है। फिर क्या कह रहा है बच्चों, ड्यू टू रिफ्लेक्शन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सीन इन द मिरर, यानी दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण ही दिखता है। फिर क्या कहता है बच्चों, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, यानी दर्पण उस पर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को बदलता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया कि यहाँ से अगर टॉर्च पर की लाइट डालें और ये इस तरह चली जाए। अब आगे क्या कहता है बच्चों, ये कि वेन वी सी ए सरफेस टू बी रफ, वी मीन रफ एट माइक्रो लेवल, इवन आइटम्स दैट अपीयर स्मूथ लाइक एनिमल पेंट और ए पेंसिल आर वेरी रफ एट माइक्रो लेवल। वेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ ए रफ सरफेस द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड एट मैनी डिफरेंट एंगल्स, दिस अलाउ एस टू सी ए सरफेस फ्रॉम एनी एंगल। यानी जब हम किसी सतह को खुरदुरा करते हैं तो ऐसा हमारा मानना है कि उसका खुरदुरापन सूक्ष्मतम स्तर पर है, यहाँ तक कि एक पेंसिल पर इनेमल पेंट की चिकनी परत जो दिखाई देती है हमें, वो माइक्रो लेवल पर बहुत ही खुरदुरी होती है। जब प्रकाश किसी खुरदुरी सतह से परावर्तित होता है तो प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, अलग अलग कोणों पर परावर्तित होती हैं, और इसके कारण हम किसी सतह पर किसी भी कोण को देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये वाला आज का भाग हो गया आपका कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।